बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये असर के बाद सूरह कौसर का अमल है। सूरह कौसर का अमल एक ऐसा अमल है जिससे आप हर चाहत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक की ये सूरह इस कदर मुख्तसर और ताकतवर है कि इसके अमल करने से आप दुनिया और आखरत की हर चाहत हासिल कर सकते हैं। ये वजीफ़ा सिर्फ 4 दिन का है और 4 दिन में जो आपको इसके फ़वाद हासिल होंगे वो दुनिया और आखरत के ऐसे फ़वाद होंगे जिनकी हर इंसान को चाहत होती है। इस ज़िमन में मैं आपको एक खातून का मुशाहिदा भी बताऊंगी कि किस तरह उन्होंने ये 4 दिन का अमल किया और इस 4 दिन के अमल ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, और इस अमल की सारी तफसील भी बताऊंगी, इसका सारा तरीक़ा कार भी बताऊंगी। आपने क्या करना है कि 127 मरतबा इस सूरह पाक को पढ़ना है, लेकिन अमल का तरीका बताने से पहले मैं आपको छोटी सी एक जो कारगुजारी है, एक वाक़या है खातून का, वो बताना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस मुशाहिदे के दौरान ही अमल की भी वजाहत हो जाएगी। वो खातून फरमाती हैं कि मैंने 4 दिन का ये सूरह कौसर का अमल किया और उन हालात में किया जब मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। रहती तो मैं 2 किनाल के घर में थी, लेकिन ज़िंदगी ऐसी तंग थी कि मुझे एक कमरा भी मैसर नहीं था। पता नहीं ये मेरे मुकद्दर की बदकिस्मती थी कि क्या था, उस 2 किनाल के घर में भी मुझे एक कमरा मैसर ना था। मैं कभी कहीं सोती और कभी कहीं सोती। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे और मैं बे औलाद भी थी, मेरी कोई औलाद नहीं थी। वो फरमाती हैं कि मैंने दर्स में ये अमल सुना और मैंने इस अमल को करना शुरू किया, और इस अमल के साथ दर्स में एक ये भी टोटका बताया गया था कि आपके घर में जो काटने वाली चीज़ें हैं किसी चीज़ को, जैसे कैंची होती है, छुरी होती है, कोई नेज़ा है, कोई चाकू है, हत्ता के बंदूक भी जो है जिससे किसी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, उनमें से आपने हर चीज़ का जो मुंह है, जो नोकदार हिस्सा है, उसको इस तरह रखना है कि उसका रुख काबा की तरफ ना हो, यानी इन चीज़ों के दस्ते जो हैं वो काबा की तरफ हो जाएं, काबा की समत में, लेकिन इनके नोकदार हिस्से और बंदूक का मुंह भी जो है वो काबा की तरफ ना होने पाए, दूसरी तरफ हो। तो नोकदार हिस्से जो हैं वो उनसे भी नुकसान पहुंच सकता है, बंदूक के मुंह से भी नुकसान पहुंच सकता है, तो जो नुकसान पहुंचाने वाले हिस्से हैं वो दूसरी तरफ हो जाएं और इनके जो दस्ते हैं वो खाना काबा के रुख की तरफ हो जाएं। वो कहती हैं कि मैंने असर की नमाज के बाद सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 127 बार पढ़ना शुरू की। आपने असर के बाद, असर की नमाज के बाद 127 बार सूरह कौसर हर बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है, और आपने इशा की नमाज से पहले मुकम्मल कर लेनी है। बीच में आप जो है जैसे 30 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, बस आपने किसी तरह इशा की नमाज से पहले पहले तक 127 बार मुकम्मल कर लेनी है। कोशिश करें कि इस वक्त में आप बावजू ही रहें, क्योंकि बीच में आप मगरिब की भी नमाज पढ़ेंगे, तो इशा की अजान से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है। कोई बैठने की शर्त नहीं है, बस आपकी तादाद 127 से कम या ऊपर ना होने पाए। और आपने 4 दिन ये अमल इसी तरह से करना है। 4थे दिन आपने 2 मुठियां जो हैं वो टॉफियों की भर लेनी है और उन्हीं टॉफियों को बच्चों में तकसीम कर देना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा।
अब वो हातून बताती हैं कि मैंने 4 दिन ये अमल किया तो उसका मुझे सबसे पहले फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे घर से जो है वो गुर्बत ख़त्म होना शुरू हो गई, हमारे घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होना शुरू हो गए। अल्लाह पाक ने इस अमल की बदौलत मुझे 3 बेटे अता फरमाए और अल्लाह पाक ने इस अमल की बदौलत मुझे वसी और शानदार कुशादा घर अता फरमाया। ज़िंदगी की दूसरी सहूलतें भी साथ मिली, जैसे सवारी वगैरह, घर, गाड़ी, बंगला सब मिला। और एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि इस अमल की बदौलत मेरी हासिदीन से जो है वो जान छूट गई और घर में जो मुझे एक जादू का नहुसत का एहसास होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दौलत की घर में रेल पेल शुरू हो गई, गुर्बत और तंगदस्ती ने मुंह मोड़ लिया। और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर की ज़ियारत करवाई। ये सारे फ़वाद उन्हें इस एक अमल से हासिल हुए। आप 4 दिन ये अमल करें, आपको इसके फ़वाद मिलेंगे और 4 दिन बाद आप फिर से शुरू कर लें अमल वैसे ही, फिर 4 दिन मुकम्मल करें, टाफियां बांटें, उसके अगले 4 दिन फिर आप शुरू कर लें। आप कुछ अरसा ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला जो फ़वाद आपको बताए हैं ये इंशाल्लाह सब आपको हासिल होंगे। सुभान अल्लाह। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।